वो कहते हैं ना, छोटे पैकेज में अच्छी चीज मिलती है। भारत के छोटे राज्य में त्रिपुरा को गिने जाते हैं। पहाड़, हरी भरी वादियाँ, घने जंगल, नदियों से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य। भारत का ये खूबसूरत और प्यारा राज्य के बारे में कम ही लोगों को मालूम है। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित सेवन सिस्टर में से एक है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इस राज्य में कई सारे जनजाति एक साथ मिलजुल के रहते हैं, जो भाषा और कल्चर से अलग पर पहचान में एक है। आइए जानते हैं भारत के ये शांत राज्य के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो आपको मजबूर कर देगी इस राज्य पे आने पे। त्रिपुरा में कुछ ऐसी बातें हैं जो इस राज्य को भारत के बाकी राज्य से बहुत अलग और खास बनाता है। त्रिपुरा भारत के तीसरा सबसे छोटे राज्य है। लोग कहते हैं देवी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुवाहाटी के बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला सबसे महत्वपूर्ण शहर है, जहाँ पे भारत के बाकी शहरों की तरह सारी सुविधा मौजूद है। दोस्तों, भारत के बड़े राज्य जहाँ पे पीछे है लिटरेसी रेट में, वही त्रिपुरा 94.06% के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि और भी कई सारे सर्वे में तीसरा स्थान हासिल किया है। त्रिपुरा भारत का फिफ्थ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर वाला राज्य है, जो 856 किलोमीटर पर फैला हुआ है। त्रिपुरा भारत के मिजोरम और असम से जुड़ा हुआ है, और नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ बांग्लादेश बॉर्डर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा कई सारे ऊंचे नीचे पहाड़, जंगल, नदियां से घिरा हुआ है। अगर किसी को एडवेंचर पसंद है तो त्रिपुरा उनके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। यहाँ पे एडवेंचर के लिए कई सारे साधन मौजूद है। त्रिपुरा में कई सारे घूमने लायक जगह है, अगरतला, उदयपुर, चिटगांव हिल्स, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, नीरमहल, उमनेश्वर टेम्पल, उज्जैन पैलेस, बुद्ध टेम्पल, जम्पुई हिल, रायमा वैली, कुंजबन पैलेस और भी कई सारे जगह यहाँ पे शामिल है। त्रिपुरा का उज्जैन पैलेस, जो पहले रॉयल पैलेस नाम से जाना जाता था, और 2011 से पहले ये त्रिपुरा का विधानसभा भी हुआ करता था। आज ये त्रिपुरा म्यूजियम के तौर पर लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। त्रिपुरा का उनाकोटी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पे पत्थर के ऊपर आर्ट करके महादेव की आकृति बना हुआ है। त्रिपुरा का नीरमहल नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एकमात्र पानी के ऊपर बना महल है, जिसे त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर देव बर्मन ने 1930 में बनवाया था। पूरे भारत में दो ही पानी के ऊपर बना महल है, एक त्रिपुरा में, दूसरा राजस्थान में। त्रिपुरा में ज्यादातर बंगाली रहते हैं, लेकिन बंगाली के अलावा कोकबोरो और मणिपुरी जाति के लोग भी एक साथ मिलके प्यार से रहते हैं। त्रिपुरा की संस्कृति और कल्चर बहुत ही पुरानी और खास है। यहाँ पे सबसे बड़ी फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, जहाँ पे सारे लोग एक साथ मिलके पूजा में शामिल होते हैं। त्रिपुरा में आज भी कई सारे जनजाति जंगलों में रहना पसंद करते हैं। त्रिपुरा की बड़ी संख्या में लोग गाँव में रहते हैं। नृत्य और कला त्रिपुरा की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। पूरे त्रिपुरा राज्य सिर्फ एक ही हाईवे से जुड़ा हुआ है भारत के साथ, वो है नेशनल हाईवे 44। त्रिपुरा राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि निर्भर है। यहाँ पे ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ पे ज्यादातर चावल उगाई जाती है, और यहाँ से ही ज्यादातर मुनाफा त्रिपुरा को मिलता है। त्रिपुरा जंगलों से घिरा राज्य होने की वजह से यहाँ पे बांस और बेर भारी मात्रा में मिलते हैं, जिस वजह से हस्तशिल्प यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आम बात है। स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए बांस और बेंत के फर्नीचर पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध है। त्रिपुरा में कृषि के बाद हस्तशिल्प से ज्यादातर मुनाफा मिलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे आबादी करीब 40 लाख के आसपास है, जिनमें से ज्यादातर लोग यंग हैं। त्रिपुरा बॉलीवुड से भी जुड़ा हुआ है। एसडी बर्मन, आरडी बर्मन भारत के दो लेजेंड सिंगर त्रिपुरा से ही है। 1 नवंबर 1957 में त्रिपुरा इंडियन टेरिटोरी में शामिल हुआ था, और 21 जनवरी 1972 में एक राज्य के तौर पर प्रतिष्ठा हुआ था। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट त्रिपुरा एयरपोर्ट और रेलवे के द्वारा भी देश के बाकी जगह से जुड़ा हुआ है। त्रिपुरा के अगरतला एयरपोर्ट का नाम त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम के नाम पे पड़ा। त्रिपुरा में ज्यादातर लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं। बांग्ला के अलावा कोकबोरो और कई सारे लोकल जनजाति भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा भारत का एक प्यारा और शांत राज्य है। अगर आप कुछ दिन हलचल से दूर शांत सड़क पर अपने ही मंद मुग्ध होकर चलना चाहते हैं, तो आपको त्रिपुरा जरूर आना चाहिए। ऐसे तो त्रिपुरा आने के लिए बहुत सारे कारण हैं। एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छी जगह है। त्रिपुरा आपको कैसे लगे नीचे कमेंट पे जरूर बताना है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।